हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे श्वेता क्रिएशंस पे और मैं हूँ श्वेता। आज हम बात करेंगे 5 जून को आने वाली सलमान खान की भारत मूवी की। मैंने उसका ट्रेलर देखा, उसे देखकर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, मैं उसके बारे में आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। तो इस मूवी की बात करें तो 1 वीक में ये ट्रेलर 37 मिलियन व्यूज कर चुके हैं। और इसका तो स्टार कास्ट आप सबको तो पता ही होगा, सलमान खान, कटरीना कैफ, जकी श्रॉफ एंड तब्बू, सुनील ग्रोवर, सबको देखने को मिलेगा। और ये आने वाली है 5th of June 2019। सलमान खान का तो रिलीज डेट सबको तो पता ही होता है, उनका तो ईद पे उनका पिक्चर आना तय होता है। तो ये मूवी तो सलमान खान प्रोडक्शन से है और इसकी प्रोड्यूसर है अतुल अग्निहोत्री और सलमान की सिस्टर अलवीरा खान उनके प्रोड्यूसर्स हैं। तो इसका बुक माय शो में प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो चुका है। और इस ट्रेलर की बात करें तो इसकी शुरुआत नेहरू जी की लास्ट डे पर डिपेंडेंट है और उसके बाद अचानक से सलमान का एक 70s का पर्सनालिटी दिखाया गया है। हमको इस मूवी में सलमान की बहुत सारे किरदार, मतलब एक किरदार के बहुत सारे रूप देखने को मिलेगा। उनकी मतलब बचपन से लेकर टीनेज और उस 70-80 ईयर्स के बूढ़े के तौर पे देखने को मिलेगा। और बहुत सारे इसमें आइटम सॉन्ग्स भी है और ज़्यादातर कटरीना को इसमें इंडियन लुक में देखने को मिलेगा। और इसमें जकी श्रॉफ भी है। आजकल तो जकी श्रॉफ जी कुछ मतलब अच्छे रोल्स कर रहे हैं, मूवी हो या वो वेब सीरीज हो और कुछ भी। और सुनील ग्रोवर इसमें मुझे लगता है अब तक तो वो जितने भी पिक्चर्स कर रहे हैं तो छोटे छोटे रोल्स कर रहे थे, देखते हैं इस पिक्चर में उनका क्या देखने को मिलता है। और इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा कि मतलब 1947 या कि उससे भी पहले से लेकर आज तक के मतलब देश जैसे आगे बढ़ रहा था उसके साथ उस टाइम के ही एक आदमी कैसे देश के साथ बढ़ रहा है उसी बात को दिखाया गया है ट्रेलर से, मुझे जितना पता चला है। ट्रेलर से ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, कभी कलर दिखाया जा रहा है, कभी ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है। और इस मूवी में भी कटरीना का मुझे वही प्रॉब्लम लग रहा है कि इसमें उन्हें 1947 मतलब तब के जमाने का दिखाया जा रहा है पर वो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहे, उनकी तो प्रॉब्लम हम सब जानते ही हैं। और इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा किसको पता होगा जानते हैं, ये पिक्चर एक कोरियन मूवी पे डिपेंडेंट है, कोरियन मूवी से आया है जिसका नाम है ऑडी टू माई फादर। अगर वहां से इंस्पिरेशन लेकर किया गया है या पूरी तरह उस पिक्चर का डबिंग है उसे देखने के बाद ही मुझे पता चलेगा। मेरा रिसर्च जितना कह रहा है मैं वही बता रही हूँ। और सलमान का अगर इस मेरा एक्सपेक्टेशन है कि सलमान का वो स्वाग वाला अंदाज ना हो कि जैसे बजरंगी भाईजान में वो पूरी तरह सिंपल वे में आए थे और उस किरदार को लोगों ने कितना ज़्यादा पसंद किया था, अगर इसमें भी वो उस वे में ही आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वरना उनका वो पिछली मूवी रेस 2 ट्यूबलाइट तो अच्छा मतलब इनकम तो कर देता है पर वो हिट लिस्ट में मतलब लोगों के दिल पर छाए रहना चाहिए ना। वो तो मैंने भी बहुत सारे वेब शोज में देखा है, खुद सलमान खान ही अपनी पिक्चर का मजाक उड़ा रहे हैं ट्यूबलाइट का,
हम क्या क्या कह सकते हैं। तो मैं तो सलमान की फैन हूं ही, तो मेरा इतना ही कहना था। और इस मूवी में हमें तब्बू और दिशा पटानी को भी देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इस मूवी में क्या है। 5 जून का इंतजार करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा स्टोरी में पूरी तरह क्या है। और ट्रेलर में तो बहुत मुझे कुछ समझ में नहीं आया स्टोरी क्या हो सकता है। तो अगर वैसा ही ट्रेलर होता है तो तभी हमें कुछ देखने को एक्साइटमेंट होता है। तो चलिए वेट करते हैं 5 जून तक। और मेरा ये वीडियो अगर आपको आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप लोगों को मेरा इस टाइप का वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं ऐसे टॉपिक्स पर और भी वीडियोस बनाऊंगी। वेट कीजिएगा। बाय।